जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं कमेटी चौक में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो दाखिली रास्ते हैं जहां पे इनकी एक अहम मेन शहरा जो है, जहां पे मुख्तलिफ इलाके से लोग आ रहे हैं, यहां पे जमा हो रहे हैं और यहां पे जुलूस के शक्कर में ये लोग आगे अपनी मरकज़ी इमाम बारगाह की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल दाखिली रास्ते पर, जहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं सख्त से सख्त कर दिए गए, स्कैनर्स लगा दिए गए और जो भी लोग आ रहे हैं, बैग्स हैं वगैरह, शॉपर्स हैं जो भी हैं, उसे बहुत तरीके के साथ चेक किया जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त से सख्त किए जा रहे हैं, ड्रोन की तरह ड्रोन से भी जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जो टेक्निकल जो सिक्योरिटी के तरीके हैं, कैमरे, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, उनसे भी निगरानी जारी है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिविल डिफेंस के डिविजनल इंचार्ज मलिक नवाज साहब और साथ में है मोहम्मद उस्मान इंतजार। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिविल डिफेंस के डिविजनल इंचार्ज मलिक नवाज साहब और साथ में इंतजार उस्मान साहब। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सर। फिजिकली तो हमें देख रहे हैं कि आप लोग की जो नफरी यहाँ पे मौजूद है, तो आप लोग इसे टेक्निकली तौर भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, यानी कि सीसीटीवी फुटेज के थ्रू भी निगरानी की जा रही है कि नहीं, सिर्फ यहाँ पे फिजिकली आपके इदारा फिजिकली चल रहे हैं? ये फिजिकली भी हो रही है और हर तरीके से जहाँ जहाँ भी जुलूस है पिंडी के अंदर ना, यानी राजा बाजार में मेन जो जुलूस है, उसके बाद डेयरी इस्लामाबाद में है, उसके अलावा रत्ता में एक जुलूस निकलता है, जहाँ जहाँ भी अभी जुलूस है वहाँ पे तकरीबन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की सारी नफरी जो है मौजूद है। हमारी तकरीबन 450 से अबव तकरीबन नफरी जो है इस वक्त सारे जुलूसों के अंदर, और हर जगह हर तरह की सिक्योरिटी जो है हम इंशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह अमन है और इंशाल्लाह अमन ही रहेगा। सर, सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी इस टाइम आयद कर दी गई है, तो आपने इसके लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया है? जैसा कि आप देख रहे हो कि यूनिफॉर्म के अंदर भी लोग हैं और हमने सिविल जो है वो सादा कपड़ों में भी लोग अपने छोड़े हुए हैं, कि खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा बंदा या कोई इस तरह की कोई चीज़ तो हम उसे हैंडल कर सकें पुलिस के साथ मिल के। हमारा जो है वो रबता पुलिस के साथ होता है, और कोई भी ऐसा कोई वाकया हो तो हम फौरी तौर पर पुलिस से जो सीनियर लोग हैं उनके साथ रबता करते हैं। सर, इस टाइम आपके पास जो है पूरे डिवीजन में कितनी नफरी आपने तैनात की है? ये तकरीबन 450 से अबव अभी आपको बताया कि पूरे पिंडी के अंदर जो है वो जो जुलूस जहाँ जहाँ से भी निकल रहे हैं हमारी नफरी वहाँ पे मौजूद है और मुकम्मल तौर पे हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं, रेंजर नहीं, बल्कि बाकी जितने भी इदारे हैं सिविल डिफेंस के साथ साथ बाकी जितने भी इदारे हैं सब ने अपनी जो उनसे हो रहा है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए हवाले से या मेडिकल रिलीफ दे सकते हैं, जो इदारा जो उनसे जिम्मेदारी निभा सकता है, यहाँ पे सब इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं।